ये है मुकेश खन्ना जी का घर, इसी में मुकेश खन्ना जी रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मुकेश खन्ना जी का घर। जी हाँ दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मुंबई के मरीन लाइंस के पास और यहीं पर उनका घर है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उनका घर कैसा है। गाइज, आपको बता दें कि महाभारत में भीष्म पितामह का रोल निभाने वाले और शक्तिमान बनने वाले मुकेश खन्ना जी का घर कैसा है, उनके घर की प्राइस क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज जरूर चलता है कि जो महाभारत में भीष्म पितामह बने थे, जो शक्तिमान का रोल निभा के इतना बढ़िया बच्चों का मनोरंजन करते थे, आखिर उनका रियल लाइफ कैसा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले मुकेश खन्ना जी का घर दिखाने वाले हैं। अभी आप YouTube पे हर जगह सर्च कर लीजिए, आपको कहीं भी मुकेश खन्ना जी का घर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं और दिखाते हैं मुकेश खन्ना जी का घर कहाँ है, उनके घर का एड्रेस वगैरह आपको हम सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई के मरीन ड्राइव के पास और अभी हम खड़े हैं मुकेश खन्ना जी की बिल्डिंग के सामने। और ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मुकेश खन्ना जी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। इस बिल्डिंग का नाम है पारिजात। अभी हम आपको इस बिल्डिंग का पूरा एड्रेस भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मुकेश खन्ना जी इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश खन्ना जी का एक ऑफिस है जो जुहू में स्थित है, उसका भी एड्रेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको इनके घर के एड्रेस के साथ साथ इनके बायोग्राफी के बारे में भी बताएंगे कि इनकी फैमिली में कौन कौन है, इनका नेटवर्थ क्या है, मतलब आपको ना पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको हम एड्रेस बता दें, पारिजात 95 मरीन ड्राइव मुंबई। ये अगर आप लोग सर्च करोगे ना तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे, जहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम है जस्ट उसी के बाजू में इनकी ये बिल्डिंग है। और पारिजात बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे मुकेश खन्ना जी रहते हैं। जी हाँ, तीसरे फ्लोर पे। मैं आपको पूरा बायोडाटा यहाँ पे बता रहा हूँ इनका। और आपको बता दूँ, इनके नियरेस्ट जो लोग हैं, जैसे कलाकार हैं या गायक हैं या पे अभिनेता हैं, तो सबसे पहले सुरैया जी, अब्बास मुस्तान और दीपा शाही, जीपी सिप्पी, ये लोग इनके करीबी हैं, यानी इन्हीं के आसपास रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग बाहर से बहुत ही लाजवाब है और इस बिल्डिंग का यानी घर की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि सामने मरीन ड्राइव है और जस्ट समुद्र के किनारे ही ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है ये है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मरीन ड्राइव यानी समुद्र के ठीक सामने घर होना और वानखेड़े स्टेडियम के बगल में घर होना कितनी बड़ी बात है और इसकी प्राइस क्या होगी, इससे आप लोग साफ तौर पे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो देखिए गाइज, यही वो बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है जहाँ पर हमारे शक्तिमान और भीष्म पितामह जी बनने वाले मुकेश खन्ना जी रहते हैं। दोस्तों, मुकेश खन्ना जी एक भारतीय धारावाहिक और फिल्म अभिनेता हैं जिनका जन्म 19 जुलाई 1958 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने कई हिंदी धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय भी किया है। इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1981 में बनी रूही फिल्म से की थी, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान महाभारत धारावाहिक जो 1988 में दूरदर्शन पर चलता था, उस धारावाहिक में इन्होंने भीष्म पितामह का अभिनय किया था और शक्तिमान धारावाहिक में शक्तिमान और गंगाधर का किरदार निभाया था, उससे अपनी इन्होंने पहचान बनाई थी और इन्हीं टेलीविज़न धारावाहिकों से ये प्रसिद्ध भी हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अपने डायलॉग बोलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मुकेश खन्ना जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम भीष्म इंटरनेशनल है, जिस पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और जहां पर ये शो भी चलाते हैं और जिसका नाम है द मुकेश खन्ना शो। मुकेश खन्ना 22 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और आज भी वो 25 लाख रुपए महीने से ज़्यादा की कमाई करते हैं।
उनकी सालाना आमदनी के बारे में आपको बता दें तो 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है। आप लोग वहां पर देख सकते हैं कि वो है वानखेड़े स्टेडियम की लाइट आपको दिख रही है, तो देख सकते हैं कि पास में ही वानखेड़े स्टेडियम है और यहीं पर मुकेश खन्ना जी का घर है। दोस्तों आपको बता दें मुकेश खन्ना MK फिल्म्स के फाउंडर और डायरेक्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं इस समय, और इनका घर आप लोग देख सकते हैं जो हाईवे गया है मरीन ड्राइव के पास, उसी हाईवे के तीसरी बिल्डिंग में है जो तीसरे फ्लोर पर है। आपको बता दें कि शक्तिमान के लिए मुकेश खन्ना जी को 7.80 लाख रुपए मिलते थे। जब इस शो के 104 एपिसोड हुए तो उनकी फीस बढ़कर 3 से 10 लाख रुपए कर दी गई थी, उन्हें 10.80 लाख रुपए मिलने लगे थे। मुकेश खन्ना ने खुद बताया था कि मेकर्स उन्हें 16 लाख रुपए तक देने की सोच रहे थे। आज मुकेश खन्ना दो एक्टिंग स्कूल चला रहे हैं जहां हर उस बच्चे और शख्स को ट्रेनिंग दी जाती है जो एक्टर बनने का सपना देखता है। इनके जो प्रमुख धारावाहिक हैं जिसमें इन्होंने काम किया है वो है महाभारत, शक्तिमान, चंद्रकांता और आर्यमान, जिससे अपनी पहचान इन्होंने घरों में और बच्चों के दिमागों में बना बैठे हैं। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम हम आपको बता दें, तहलका, सौगंध सौदागर, यलगार, कुंदन, इंसानियत, शक्तिमान, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, बेताज बादशाह, सेंसर, खौफ, हिम्मत, इन सभी मूवी में इन्होंने काम किया है और अपना अभिनय बिखेरा है। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा मुकेश खन्ना जी के पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बता दें तो मुकेश खन्ना जी ने शादी नहीं की है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भीष्म पितामह का किरदार निभाया था और मुकेश खन्ना जी भीष्म पितामह के आदर्शों को मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन वो उनका ये कहना है कि वो शादी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उनका मन शादी के लिए नहीं मना। जब उन्होंने शादी ही नहीं की तो जाहिर सी बात है कि उनके कोई बच्चे भी नहीं होंगे। दोस्तों आपको बता दें मुकेश खन्ना जी इकलौते ऐसे स्टार हैं कि जिनका नाम किसी के साथ अफेयर के तौर पर कभी नहीं जोड़ा गया। मुकेश खन्ना जी के पिता और माता जी के बारे में सही से जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर मुकेश खन्ना जी के पिता का नाम SP बक्सी बताया गया है और माता जी का नाम अभी भी ज्ञात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि मुकेश खन्ना जी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था वेद खन्ना, जिनका निधन वर्ष 2018 में हो चुका है और वो एक बहुत ही बड़े और अच्छे प्रोड्यूसर भी थे। और इनकी एक बड़ी बहन थी कमल कपूर, उनका भी निधन कोरोना वायरस के चलते कुछ समय पहले ही हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ साथ मुकेश खन्ना जी सन 1998 से अभी तक BJP यानी कि भाजपा पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अभी भी कार्यरत हैं, मतलब उनके मुंबई में एक्टिंग स्कूल के साथ साथ जुहू में उनका ऑफिस भी है और उसी के साथ ये राजनीति में भी उतर चुके हैं। इनके ऑफिस का आपको एड्रेस हम बता दें, ऑफिस नंबर 21 जुहू एकता CHS LTD जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर है। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि आपको ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको मुकेश खन्ना जी का घर दिखा दिया है कि वो मुंबई में कहां पर रहते हैं, उनका घर कैसा है और उनके बायोग्राफी के बारे में भी जानकारी दे दी है। तो जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में दोस्तों, नए एक्टर्स के घर के साथ। धन्यवाद।